ये देखो गाइस कितना अच्छा गणपति है, कितनी अच्छी गणेश भगवान की मूर्ति है गाइस, गजब है। लेकिन मैंने खुद से बनाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, गजब का है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और गाइस ये देखो मेरे पीछे इतना बारिश में कपड़ा, जहाँ पे फैमिली लोग रहते हैं इतना होता ही रहता है, लोगों के पास कपड़ा रहता है, खुद का बच्चा का पति का पत्नी का ये सब के पसार देते हैं। और गाइस आज फाइनली 10-15 दिन के बाद मम्मी आ रही है। यार कोई भी दूर चला जाता है आप सह लेते हो, लेकिन मम्मी चली जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं घर पे जाता था, एक दो बार बीच में गया मम्मी के जाने के बाद, दो घंटा एक घंटा रहता था घर पे, मन ही नहीं लगता था। हर कोई है घर पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी मन ही नहीं लग रहा था जब तक मम्मी नहीं थी तब तक। तो आज मम्मी आ रही है तो अच्छा लग रहा है, मतलब कोई चला जाए लाइफ से फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो माँ बाप है वो नहीं जानी चाहिए। मुझे थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था, अभी रूम पे भी अकेले रह रहा था जब से मम्मी गई है तब से, तो वो एक अलग सीन था और वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो आज आ रही है तो अभी जा रहे हैं स्टेशन, उसको ले आते हैं, उसके बाद घर जाएंगे गांव। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है तो देखते हैं, अभी तेज़ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ही हो रहा है तो वो चलेगा, लेकिन अच्छा है आ गई है। तो कल ही आ जाती लेकिन टिकट कैंसिल होके एक दिन आगे हो गया। तो सो गाइस ये आज आ रही है, कितना अच्छा गणपति का मूर्ति है। सो गाइस ये अपनी और ये रोड ऑफ किंग खड़ा है, बनाए हैं तो चलते हैं, बहुत ही अच्छा बनाए हैं और सेम ही लग रहा है, एकदम एकदम मूर्ति की तरह लग रहा है पूरा, एकदम हाथ इसका मुंह भगवान का हर चीज सेम लग रहा है, देख सकते हो आप किधर से भी देख लो कितना मस्त है, एकदम जैसे लग रहा है कि कोई कारीगर वगैरह बनाया है, जो बनाते हैं मूर्ति उर्ति वो बनाए हैं ऐसा लग रहा है, मतलब देखने में भी मस्त लग रहा है। और इसका जो लुक है बैठाने उठाने का, ये छोटा सा एक जो सवारी है गणेश जी का चूहा, उसका भी बना दिया है तो वो मस्त लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे से तो नहीं बनेगा ऐसा, हाँ मेरे से नहीं बनेगा, वो बचपन से ही ऐसे बनाते उनाते आ रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, माटी का कपड़ा भी पहना दिए हैं, वो गमछा होता है जो गणेश भगवान पहनते हैं, ये सब तो बहुत ही अच्छा है। सो गाइस ये देखो ये ब्रिज, इसी नदी का पूरा पानी सूख गया था जो फर्स्ट टाइम एक ब्लॉग में दिखाया था, और आज देखो कितनी पानी है इसमें, बहुत ही ज़्यादा पानी है इसमें, और इतना सुखाड़ इतना, मतलब धूप उप निकल रहा था कि एक टाइम पे सूख ही गया था, और अभी देखो कितनी ज़्यादा मतलब पानी निकला है देखो। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा पानी है इसमें, कोई डूब भी सकता है, इतना ज़्यादा पानी हो गया है क्योंकि बारिश उड़ी हुआ है तो इसकी वजह से ज़्यादा पानी हो गया है। मैं दिखाता हूँ आप, ये देखो सो गाइस अभी जो हम ब्रिज पे हैं, इस पे एक बात बोला जाता है, पता नहीं ये बात सही है या नहीं है, पहले मेरे पापा अंकल लोग के पास, मतलब पहले क्या करते थे ना वो लोग, बस उस रखे थे तो बस चलाते थे, तो उस टाइम क्या था कि जब ये ब्रिज बन रहा था तो फर्स्ट टाइम अगर इस ब्रिज पे कोई गाड़ी चला है तो मेरा गाड़ी ही चला था, बस था वो चला था, मुझे पता नहीं, मैं बहुत बच्चा था उस टाइम, मुझे पता नहीं, ऐसे अंकल लोग बोलते हैं, हर कोई बोलते हैं कि सबसे पहले वही गाड़ी चला था जो बस था वही चला था, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, गांव के लोग भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं से बराती से वो लोग आ रहे थे तो ये ब्रिज बन गया था, बट अब जाने की अनुमति नहीं था लेकिन फिर भी जा सकते हैं, तो उस ब्रिज पर सबसे पहले इस ब्रिज पर अगर कोई गाड़ी चला है तो वही गाड़ी चला था सबसे पहले। और ऐसा मैंने बहुत पहले ही पूछा था, मतलब हमें लगा कि पापा लोग कहीं झूठ उठ बोल रहे होंगे, इसलिए मैंने पूछा था
कि सच बात है, गांव के लोग भी दो चार लोग थे, वो लोग बोल रहे कि हाँ हाँ हम लोग भी उसी गाड़ी में थे। तो ये जो ब्रिज देख रहे हो, इस पर सबसे पहले अगर कोई गाड़ी चला है तो अपना गाड़ी चला है। सो गाइस, अभी सबको पता ही, देखो बाहर कितना पानी है, पहले बहुत ज़्यादा सूखा था, अभी देखो खेतों में कितना पानी हो गया है, और वैसे भी होने भी चाहिए। सो गाइस, घर पे उतना मन नहीं लग रहा था जब मम्मी नहीं थी, वो आई है तो ऐसा लग रहा है कि घर में लोग है, ऐसा नहीं कि नहीं, नहीं तो मैं यहाँ आता था और आता था चल जाता था, लेकिन मम्मी आई है, आज ही आई है, अच्छा लग रहा है, घर पे मन भी लग रहा है, ऐसे अच्छा लग नहीं रहा था। मम्मी हाँ, मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी गाइस, ऐसा हो जाता है ना, गांव में आने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम होता रहता है। ये बताओ, गांव में नेटवर्क नहीं है, बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल वीडियो कैसे डलाएगा। तो ये एक अलग लोचा रहता है गांव में आने के बाद, इसलिए मैं जल्दी आता नहीं रहता। जब आ जाओ कभी लाइट नहीं रहेगा, कभी कुछ नहीं रहेगा, तो कभी बिजली चला जाएगा, तो कभी नेटवर्क काम नहीं करता है। अभी बताओ, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नेट होने के बावजूद भी नेट काम नहीं कर रहा है, अब वो कैसे डलाएगा वीडियो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बारिश होता है, थोड़ा सा कुछ होता है, बिजली गायब, थोड़ा सा कुछ हुआ, नेटवर्क गायब, अभी नेटवर्क नहीं है, अभी सुबह प्रॉब्लम होगा, फिर जियो का नेटवर्क नहीं है, एयरटेल का है, गाँव में वाईफाई का सुविधा नहीं है जो लगाएँ, ऐसा कुछ रूम पर तो ये भी कुछ मिल जाता है, ये एक अलग लोचा रहता है। मौसम भी एकदम ठंडा सा हो गया है, रात में फैन चलाने वक्त तो ठंडा लगता रहता है, एकदम ठंडा ठंडा जैसा हो गया है, मैं तो फैन नहीं चलाता रात को। तो छोड़ा दही, उतार दही, तो काठमांडू गेल तो खोकी नजरे ना उतार ले थी। नहीं, हम काढ़ा पिए हैं तो ठीक हुआ है, काढ़ा पी लिए तो केकड़ लागल है, नहीं यार तुम चिंता मत लो, हमारे पास इतना बुद्धि है, 15,000 जब तक कॉलेज में ही तब तक मिल रहा है, कोई बात थोड़ी ना मिलते, अभी स्टार्टिंग में होते दे छे, अभी पढ़ाइए नहीं कर ले थोड़ा, कल मेरा पूरा सामान रेडी रहना चाहिए, निकलेंगे आटा चावल सब है, हाँ सब चीज है, आटा नाम लेंगे तो कथी कथी धैले छे, एगो में आटा चावल, एगो ड्राम में चावल, ई वाला ले जाएंगे ना तो सब्जी उब्जी रखे, खाना खा ले लियो सोएंगे। संदीप भाई जी कहाँ हैं? वही रूम में सोते हैं। सामने लिए हैं पानी भर के। हाँ। ठीक है, अच्छी धार पे। ना वो हम लेके जाएंगे, छोटा। छोटा है, उसमें सब्जी बढ़िया से कटाएगा। सो गाइस, ये देखो। वो धोन दे। रात में कुछ मस्ती लग रहे हैं। अभी सूखा नहीं है अच्छा से, लेकिन क्योंकि सूख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि धूप नहीं निकलता ना, बारिश का मौसम है, तो बारिश की वजह से ये देखो सूखा भी नहीं है उतना अच्छा से, जब ये सूख जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, उसके बाद तो ये और अच्छा लगेगा। ये कैसे कमल के फूल पे पैर डाले हैं देखिए, ये अभी अच्छी तरह से सूखा नहीं है, सूखने के बाद मस्त दिखेगा।
तो इसका सूखने का वेट करेंगे, क्योंकि अभी धूप नहीं आता ना, थोड़ा सा भी धूप ऊप नहीं लगता, इसके वजह से ये सूख पा नहीं रहा है। 4-5 दिन पहले ही बनाए थे लेकिन अभी तक ये सूखा नहीं है, सूख जाएगा तब और मस्त लगेगा। तो बोलो श्री गणेश नमः।